आपने हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा कि एक्ट्रेस हिना खान को स्टेज 3 का ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है, यानी स्तन का कैंसर जो है वो डिटेक्ट हुआ है। अभी तक साइंटिस्ट ये एग्जैक्टली पता नहीं लगा पाए हैं कि स्तन के कैंसर होने का एग्जैक्टली क्या कारण है, लेकिन कहा यह जाता है आपकी दिनचर्या अगर बिगड़ती है तो इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर में पड़ता है। कैसे? आप अगर एक्टिव नहीं रहते हैं, आप अगर एक घंटे का अभ्यास नहीं करते हैं हर दिन, जैसे कि आप चाहे रनिंग करें, चाहे साइकिलिंग करें, चाहे जिमिंग करें, चाहे योग का अभ्यास करें, एक घंटे का एक्टिव एक्सरसाइज तो करना आपको ज़रूरी है। इसके अलावा कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दिन भर एक जगह पर बैठे हुए अपना पूरा दिन स्पेंड करते हैं, आपके खाने उठने बैठने सोने का कोई वक्त नहीं है, या कि आप खाना प्रॉपर टाइम से नहीं खाते हैं और प्रचुर मात्रा में उस खाने में जो पोषक तत्व होने चाहिए वो नहीं होते हैं, आप बहुत ज़्यादा तनाव ग्रसित होते हैं, आपका काम इस तरीके का है, या कि फिर आप रात में प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, गहरी नींद नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो हार्मोन्स का बैलेंस है ये बिगड़ता है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सारी कंडीशन हम महिलाओं को देखने के लिए मिलती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे विशेष योगासनों का अभ्यास बताऊंगी जिससे कि आपके शरीर का रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो, आपका मानसिक तनाव कम हो, आपको प्रॉपर रात में नींद आए, आपका भूख प्यास जो है अच्छी तरीके से लगे, और जो कुछ भी आप खाना खाएं उसके पोषक तत्व शरीर में एब्जॉर्ब हों। इसके अलावा इन अभ्यासों को करते रहने से हमारी ब्रेस्ट मसल्स, चेस्ट मसल्स पर ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है और इनसे जुड़ी जो समस्याएं हैं उनसे आप निजात भी पा सकते हैं। तो इन योगाभ्यासों को आपको स्टेप बाय स्टेप देखना होगा, समझना होगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छी तरीके से देखिएगा, कोई भी पार्ट आप मिस मत कीजिएगा। और अगर चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। और अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। एक बात और, आप लोग घंटी का निशान दबाना भूल जाते हैं जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ फ्यूचर में तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है और मेरी वीडियोज़ आप मिस कर जाते हैं, तो घंटी का निशान भी ज़रूर दबा लीजिएगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि योग से जुड़ी बहुत सी जानकारी मैं हर रोज़ वहाँ पर अपडेट करती हूँ, तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो आइए अब सिखाती हूँ योगासन का अभ्यास। सबसे पहला योगासन का अभ्यास जो हम करेंगे उसका नाम है गौमुख आसन, या इंग्लिश में इसको कहते हैं काउ फेस पोज। आराम से ऐसे पालती मार के क्रॉस लेग पोजिशन पर बैठे हैं। अब अपने लेफ्ट पैर को यहीं पर रहने दें और लेफ्ट पैर की एड़ी को राइट हिप की तरफ ऐसे लेके आएं, ऐसा। फिर उसके बाद राइट घुटने को लेफ्ट घुटने के ऊपर ऐसे रख दें, ऐसा, जिससे कि एक गाय का चेहरा ऐसा, दोनों घुटने जब एक दूसरे के ऊपर हैं तो गाय के चेहरे जैसी ऐसी आकृति बन रही है, और स्पाइन को सीधा रखें, ऐसे झुक ना जाएं, इस तरीके से सीधा रखें। अब राइट घुटना ऊपर है तो हम क्या करेंगे, राइट हाथ को छत की तरफ लेके जाएंगे, इस तरीके से खींचेंगे, ऐसा 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 खींचेंगे, सिर्फ ऐसे नहीं रखेंगे बल्कि खींचेंगे। फिर राइट हाथ की एल्बो को मोड़ा और फिर उसके बाद दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में लेके गए और इधर से अपने लेफ्ट हाथ को मोड़ा और फिर उसके बाद दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ लेके जाएंगे और इनको एक दूसरे के साथ मिलाएंगे, ऐसा, और छाती को खोल के रखेंगे, सामने देखते रहेंगे, नीचे नहीं देखेंगे, और छाती को ऐसे खुला हुआ रखेंगे। राइट एल्बो एग्जैक्टली छत की तरफ है और लेफ्ट एल्बो एग्जैक्टली फ्लोर की तरफ है। मैं चाहूँगी कि ज़रा आप इस आसन को पीछे से भी देखें सो दैट आप अच्छी तरीके से समझ जाएं कि पीछे जो है हाथ किस तरीके से रखना है। तो हमने अपने राइट हाथ को इस तरीके से ऊपर खींचा, दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में इस तरीके से लेके गए और फिर नीचे से राइट हाथ को खिसकाते हुए दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे जोड़ा और ऐसे होल्ड किया, ऐसा। तो आपको इस तरीके से होल्ड करना है कम से कम 10 काउंट्स तक,
10 काउंट्स तक होल्ड कर लें, छाती को पूरा ओपन होने दें। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप दोनों हाथों को जोड़ ना पाएं, तो मेरे पास ये योगा स्ट्रैप है, इसका इस्तेमाल करूंगी। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप किसी दुपट्टे का इस्तेमाल कर लें या टाई या बेल्ट का इस्तेमाल कर लें। तो राइट हाथ को ऊपर की तरफ ऐसे लेके गए, घुटनों को एडजस्ट कर लिया और फिर उसके बाद ऊपर से राइट हाथ से ऐसे आया सपोर्ट और नीचे से ऐसे पकड़ लिया ऐसा, और इसको ऊपर खींचें, फिर दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ लेके जाएं, फिर ऊपर की तरफ खींचें और फिर दोनों हाथों को इस तरीके से लेके जाएं, और जहां पर आपको लग रहा है कि अब इसके ऊपर नहीं हो पाएगा वहीं पर होल्ड करके रखें और सामने देखें ऐसा, इस तरीके से। तो जब आप गौमुखासन का अभ्यास कर रही हैं तो इससे ना सिर्फ आपके शोल्डर पर इसका इफ़ेक्ट अच्छा आएगा बल्कि आपके बच्चेदानी पर, आपके यूट्रस पर भी इसका बहुत अच्छा दबाव आ रहा है, आपके जेनाइटल्स पर बहुत अच्छा दबाव आ रहा है इस तरीके से। ऐसा ऐसा, और जब एक तरफ हो जाए इस अभ्यास, ये अभ्यास, तो हम इसको दूसरी तरफ करेंगे। तो ऐसे अब राइट घुटना नीचे है, अब लेफ्ट घुटना ऊपर है ऐसा, इस तरीके से खींचकर दोनों पैरों को ऑपोजिट एक दूसरे की तरफ से खींचकर अब इसी स्ट्रैप को लिया और ऊपर से लेके गए खींचते हुए और फिर नीचे से ऐसे पकड़ लिया, ऊपर खींचिए और फिर दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ लाइए और जहाँ तक आप लगे कि कंफर्टेबल होके होल्ड कर सकते हैं इस तरीके से ओपन करें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें और घुटनों को एडजस्ट करते रहें ऐसे ऐसा, और इसको भी कम से कम 3 बार ना करना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तक होल्ड करके रखें, यानी 10 काउंट तक होल्ड करके रखें और 3 बार रिपीट कर लें तो अच्छा है, वरना शुरू शुरू में एक बार ही रिपीट करना दोनों साइड ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस हम जूम के माध्यम से कंडक्ट करते हैं। हर दिन मंडे से फ्राइडे क्लासेस होती हैं और हर दिन की क्लासेस 1 घंटे की होती है, और इस 1 घंटे के टाइम में मैं आपको हर दिन अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन सिखाती हूँ, करवाती हूँ अपने सामने, सो दैट कोई भी आप गलती करें तो मैं उसको वहीं पर करेक्ट कर सकूं और आपको इससे बहुत से स्वास्थ्य लाभ मिले। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये क्लासेस कौन ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये क्लासेस कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है। अगर आपने पहले कभी भी योग का अभ्यास नहीं किया या ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं या कि आपको कोई हेल्थ कंडीशन है जैसे कि थायराइड है, डायबिटीज़ है, जॉइंट्स में पेन रहता है, PCOD PCOS की समस्या है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, रात में नींद नहीं आती, अत्यधिक मानसिक तनाव रहता है, तो ये क्लासेस मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, क्योंकि इन क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में जो स्टूडेंट हैं उनको गजब के लाभ मिले हैं। अगर किसी कारण से आप ये क्लासेस ऑनलाइन जूम पर नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप मेरे द्वारा कुछ कोर्स मैंने ऐसे डेवलप किए हैं, उन कोर्सेज को परचेस करने के बाद आप अपने घर के ही कंफर्ट जोन में रह के इन वीडियोस को प्ले करके कभी भी किसी भी वक्त अपने योग का अभ्यास शुरू कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। ये जो वीडियोस है मेरी वेबसाइट पर मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बारे में और जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ जो ये व्हाट्सएप नंबर है इस पर एक व्हाट्सएप करते हैं तो मेरी टीम के द्वारा आपको सारी की सारी जानकारी तत्काल भेज दी जाएगी। तो अभी तो आप पूरी वीडियो देख लीजिए लेकिन फिर बाद में जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। अब अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का। उष्ट्रासन या इंग्लिश में इसको कैमल पोज कहते हैं। कैमल पोज के मैं 2 वेरिएशन बताऊंगी। पहला वेरिएशन ऐसे लोगों के लिए जिनकी स्पाइनल कॉर्ड अभी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है या शुरू शुरू के दिनों में अभी अभ्यास कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपने ऐसे वज्रासन में बैठ जाना है, ठीक है, थंडरबोल्ट पोजीशन पे बैठ जाना है और फिर उसके बाद अपने घुटने पर ऐसे खड़े हो जाना है और दोनों घुटनों के बीच में देखिए ज़रा कमर जितना फासला ऐसे जोड़ के नहीं रखा है, ऐसे अलग करके रखा है और फिर उसके बाद अपने घुटने के बल खड़े होने के बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे कमर के ऊपर रखा इस तरीके से और फिर उसके बाद अब ज़रा मेरे कंधे पर ध्यान दीजिएगा,
कि शोल्डर को आपने ऐसे पुश करना है पीछे ताकि छाती जो है बाहर की तरफ आए, खुले, और अपनी कमर को आगे की तरफ पुश करना है और गर्दन को ऐसे ढीला छोड़ देना है। ऐसे कमर को आगे की तरफ पुश करते रहिए, गर्दन को ढीला छोड़ते रहिए और छाती को बाहर पुश करते रहिए। इसको भी आपको 10 काउंट तक होल्ड करके रखना है, 10 सेकेंड तक ऐसा। और जब ये अभ्यास हो जाए तो फिर इसको ऐसे रिलीज़ करके आराम से बैठ जाएं, घुटनों को अलग कर दें, अपने दोनों हाथों को मैट पर रखें और आगे की तरफ हाथ को ऐसे सरका दें, अपनी छाती को और माथे को मैट पर ड्रॉप कर दें। इस अभ्यास को 10 काउंट्स यानी 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अभ्यास करें। जब यह अभ्यास हो जाए कुछ दिनों, कुछ हफ्ते या कुछ महीनों तक, और आपको लगे कि आप इसके एक लेवल आगे जा सकती हैं, तो आप क्या करेंगे, ऐसे घुटने के बल ऐसे फिर से खड़े होंगी और दोनों पैरों को अलग करेंगे एक दूसरे से, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे, शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे, आगे की तरफ पुश करेंगे, पुश करेंगे, पुश करेंगे, पुश करेंगे, गर्दन को पूरा ढीला छोड़ देंगे और फिर एक हाथ से अपने राइट पैर की एड़ी को ऐसे पकड़ेंगे ऐसा, और फिर उसके बाद लेफ्ट पैर की एड़ी को ऐसे पकड़ लेंगे और हिप को आगे की तरफ ऐसे पुश करते रहेंगे, ऐसे ब्रीथ करते रहेंगे और फिर धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। 10 काउंट यानी 10 सेकेंड, 5 काउंट या 5 सेकेंड तक होल्ड करने के बाद आराम से घुटनों को अलग किया, फिर हम अपने हेड को और चेस्ट को ऐसे मैट पर ड्रॉप करेंगे, रेस्ट करेंगे। अब हम बढ़ रहे हैं एक बहुत ज़बरदस्त आसन का अभ्यास करने के लिए, जिसका इफ़ेक्ट आपके पूरे ब्रेस्ट चेस्ट पर तो पड़ेगा और साथ ही आपके पूरी हार्ट मसल्स भी बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेच होंगी। तो इस तरीके से ऐसे टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएंगे और फिर उसके बाद अपने दोनों पैरों को एक एक करके ऐसे सीधा करेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे और फिर उसके बाद दोनों हथेलियों को अपनी छाती के बगल में रखेंगे, एड़ियों को जोड़ लेंगे, अंगूठों को बाहर रखेंगे, अपने माथे को मैट पर ड्रॉप करेंगे। कर रहे हैं भुजंग आसन या कोबरा पोज का अभ्यास। सांस लेते हुए धीरे 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 छत की तरफ देखें, अपनी नाभि को मैट से मत उठाइए, छाती को बाहर की तरफ पुश कीजिए, शोल्डर्स को रोल बैक कीजिए, कान कंधे से दूर है, और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 डाउन। दो बार और देखें, सांस लेते हुए हेड अप, चेस्ट अप, पुश योर नेवल रीजन डाउन टुवर्ड्स द फ्लोर एंड अपनी छाती को खोल के रखें कंधे पीछे की तरफ और सांस को छोड़ दें। बहुत बार भुजंग आसन का अभ्यास करते हुए लोग नाभि उठा लेते हैं, वो मत कीजिएगा। सांस लिया ऐसे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। यह अभ्यास अगर आपने रेगुलर करना शुरू कर दिया तो आपकी स्पाइन भी बहुत हेल्दी रहेगी। अगर जिसको बैक पेन रहता है ना, तो बैक पेन वालों को भी बहुत आराम मिलेगा। अब जब कुछ दिनों तक आपको इसका अभ्यास हो जाए भुजंग आसन का, तो आप इसमें ऊर्ध्वमुख श्वानासन का अभ्यास कर सकती हैं। कैसे? पैरों को अब अलग कर लीजिए, जितनी चौड़ी आपकी योगा मैट है ना, उतनी उससे बाहर मत निकालिएगा, अंदर ही रखिएगा ऐसे। अब दोनों हथेलियों को एग्जैक्टली अपने ब्रेस्ट के साइड में रखिए ऐसे, चेस्ट के साइड में रखिए ऐसे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे सांस लेते हुए अपना माथा उठाया, चेस्ट उठाया, अब नाभि मैट से उठी हुई है, कान कंधे से दूर है और छत की तरफ देख रहे हैं ऐसा ऐसा, और अगर और कंफर्टेबल है तो घुटना भी उठा दें इस तरीके से ऐसे, और छाती को बाहर पुश करते रहिए, आर्च करते रहिए, अपने बैक को छत की तरफ देखिए, सांस लेते रहिए और सांस को छोड़ दीजिए। एक बार और देखिए, टेबल टॉप पोजीशन पे आ गए ऐसे, और अपने थाई को मैट पर रखा एंड आर्च योर बैक। घुटना देखिए अभी मैट पर नहीं है, चेस्ट बाहर पुश कर रही हूँ ऐसा, छाती पूरी खुल गई है, पूरी स्पाइन पर इसका इफेक्ट महसूस कर रहे हैं और सांस को छोड़ दीजिए। ये अभ्यास करने के बाद भी अपने दोनों घुटनों को अलग करें, अपने हाथ को इस तरीके से स्लाइड करें मैट पर और हेड को ड्रॉप करें जिससे स्पाइन को आराम मिले ऐसा।
ब्रीद करें, ब्रीद करें, ब्रीद करें, ब्रीद करें, ब्रीद करें, ब्रीद करें। अब जो मैं अगले आसन का अभ्यास सिखा रही हूँ ना, इसका अभ्यास तो आपको हर रोज करना चाहिए। इसका नाम है सर्वांग आसन। इस आसन को हर एक आसन की जननी या माँ कहा जाता है, या मदर ऑफ ऑल आसन कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं शोल्डर स्टैंड। तो शोल्डर स्टैंड करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पर पीठ के बल ऐसे लेट जाना है, ऐसे और लेटने के बाद आप क्या करेंगे कि अपने टी शर्ट्स को टक कर लेंगे, जो भी आपने कपड़े पहने हुए हैं ऐसे टक कर लेंगे। और फिर उसके बाद दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखने के बाद अपने दोनों पैरों को उठाया उठाया उठाया, और फिर उसके बाद दोनों हाथों को कमर के नीचे सपोर्ट दें, ऐसे 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 ऐसे। और फिर उसके बाद आपकी गर्दन जो है इस अभ्यास से लॉक हो जाएगी, ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद धीरे से अपने घुटने को माथे की तरफ लेके आए और कमर को ड्रॉप करें मैट पर। इस अभ्यास को भी आपको 3 बार करना है। फिर से देखिए, सांस लिया, सांस नॉर्मल लेते रहें, ऐसे और रिलैक्स करें। शुरू शुरू में ऐसा हो सकता है कि अगर आप सर्वांग आसन का अभ्यास करें तो आपकी गर्दन लॉक करने में आपको दिक्कत आए, यानी जब सर्वांग आसन करेंगे तो आपकी गर्दन लॉक हो जाएगी, तो हो सकता है आप ज़्यादा देर तक इस पोस्चर को ना होल्ड कर पाएं। तो मत करिएगा, सिर्फ 3 या 5 सेकेंड तक रुकिएगा, और जैसे जैसे फिर आपकी शक्ति स्ट्रेंथ बढ़ती जाए तो इसको 30 सेकेंड तक वहीं पर होल्ड करके रखिएगा, और सांस लेते और छोड़ते रहिए, और बहुत आराम महसूस कीजिएगा। अब हमने सर्वांग आसन का अभ्यास कर लिया, इसी का ऑपोजिट हम करेंगे, यानी काउंटर प्रैक्टिस करेंगे, जिसका नाम है मत्स्यासन। ये सारे अभ्यास आपका मानसिक तनाव, आपका स्ट्रेस जो है बहुत हद तक कम करेंगे। और अब आराम से ऐसे दोनों पैरों को स्ट्रेच किया, और फिर उसके बाद दोनों एल्बो को ऐसे मैट पर रखा, चेस्ट को बाहर की तरफ ऐसे पुश किया, और अपने सर के सबसे ऊपरी हिस्से को ऐसे मैट पर रख दिया। अपनी नाभि को अंदर की तरफ पुल करते रहें और छाती को बाहर की तरफ ऐसे पुश करें, और ब्रीद करते रहें कम से कम 10 काउंट्स तक। इसको होल्ड करके रखें, 10 सेकेंड तक होल्ड करके रखें, और फिर रिलीज कर दें शवासन में। फिर से देखें, आराम से ऐसे बैठें, और फिर उसके बाद अपने दोनों एल्बो को एक एक करके ऐसे मैट पर ड्रॉप करें, चेस्ट को बाहर पुश करें, और गर्दन को ऐसे खोलें। फिर जब ये सारे अभ्यास हो जाएं, तो आपको शवासन करना बेहद ज़रूरी है। आसनों का अभ्यास करने के बाद 5 से 10 मिनट अपनी योगा मैट पर लेटकर शवासन का अभ्यास करें। कैसे? ऐसे पैरों को अलग करना है, हाथों को फ्लोर की तरफ ऐसे नहीं घुमाना, छत की तरफ घुमाना है, और रेस्ट करना है। तो देखा आपने कितनी आसानी से स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे योगासन का अभ्यास आपको सिखाया। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि इन योगासनों का अभ्यास निरंतर आपको करते रहना है। ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी और यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो, और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने सभी साथियों को भेज दीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है, आप चाहते हैं फ्यूचर में आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पे मैं बनाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, इससे मुझे बहुत उत्साह मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगली वीडियो में बहुत जल्दी फिर से आपसे मुलाकात होगी। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्ते।